कोरोना काल में अकाल मृत्यु से प्रभावित लोगों के लिए सेक्टर चाई फोर में आजकल भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैया बोली महाराज कथा पूरी है नहीं बोले हाँ बोले भैया वो इतनी बड़ा जल्दी कथा पूरी है नहीं महाराज मैं तो कछु कली सुनी महाराज जी ने कहा भैया तुम्हारे जैसा मैंने श्रोता नहीं सुना आज नहीं आप उनकी कथा आपको सुनती मैया बोले महाराज किसी कथा बड़ी सोनी वाचो महाराज किसी कथा बड़ी सोनी वाचो मैया ने कहा मैया से पूछा कैसे बोले महाराज घर में नींद की 5 गोली खाओ तो नींद नहीं आवे तो तुम्हारी कथा में बैठ के आंख बंद करके ओम करूं तो 4 घंटे कहां निकल जाए पता नहीं चले ये वैसे ही भगवान की कथा सुनने पर भीतर भरा हुआ अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है और हम सब आनंदित हो जाते हैं। तेजो बार मृदाम यथा मिनमयो वाके हरि तेरे आरती और मुकुट तेरे शीश पे तो तेरे गणती मेरो मन मोहे जय श्री राधे। आज की कथा का विवरण था भागवत का मूल चरित्र। भागवत का जहाँ से प्राकट्य हुआ है उद्गम स्थान उत्तराखंड के माना गांव से भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। भागवत जी प्राकट्य होने के लिए हर जीव के कल्याण के लिए भागवत है। भागवत कुछ और नहीं है, मृत्यु को संभालने का ग्रंथ है भागवत। जीवन जीने का ग्रंथ है रामचरित मानस और शिक्षाएं प्राप्त करने का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। हमारी मृत्यु सुंदर हो इसलिए हम भागवत की शरण में जाते हैं। व्यक्ति को अपनी मृत्यु को संभालना चाहिए। देखिए, हम किसी भी धर्म की बात नहीं करते, मरना हर धर्म वाले को है। जन्मना जायते मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो।
हमारे जीवन की अंतिम प्रणाली मृत्यु है, और जब इसको मृत्यु की ओर जाना है तो मृत्यु को सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु सन्निकट है उस जीव को क्या करना चाहिए, तो उसको कुछ और नहीं करना है। सुखदेव जी महाराज कहते तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च चेच्छता भयम्। सुनो श्रोतव्य, आप जिस ग्रंथ में हो, जिस पंथ में हो, जिस परंपरा में हो, उस परंपरा के प्रधान ग्रंथ को सुनो। प्रथम ग्रंथ सबसे पहले श्रोतव्य, फिर उस ग्रंथ में कीर्तन करना चाहिए। जैसी भी परंपरा है उसमें कीर्तन करना चाहिए। गुरु जी, बारिश का मौसम है, चारों तरफ बारिश हो रही थी, यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन लोग बच रहे और महिलाओं ने पूरा आनंद लिया इसका, भागवत कथा का जी। बारिश के मौसम में भी यहाँ आपकी कथा में मेरे हिसाब से सैकड़ों महिलाएं मौजूद जी। देखिए, बारिश बरसना एक अपना कर्म है, वो वर्षा जो बरस रही है वो वर्षा सांसारिक, वो एक प्रकृति की देन है, लेकिन यहाँ भी एक वर्षा बरस रही थी जिसको भागवत अमृत वर्षा कह रहे हैं। तो लोग बाहर के भीगने की अपेक्षा अमृत वर्षा में भीगेंगे, वो आनंद देने लायक है, क्योंकि बाहर के भीगने से शरीर हमारा भीगेगा, हमारे वस्त्र भीगेंगे, लेकिन अमृत वर्षा में भीगने से हमारा हृदय भीगता है, हमारा हृदय आनंद में डूबता है। इसलिए यहाँ सैकड़ों माताएं, सैकड़ों पुरुष उसका आनंद लेंगे। नोएडा के चाय फोर में भागवत कथा की जा रही है, कोरोना में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में, तो हमारे साथ मौजूद है गर्विता पूनिया जी। तो क्या कार्यक्रम हो रहा है, कब से कब तक चलेगा ये? हम भागवत कथा 15 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये 22 तारीख तक इसका समापन होएगा, भंडारे विशाल भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा। और ये गुरुजी वृंदावन से आए हैं, गोपालाचार्य महाराज जी, और ये बहुत अच्छी कथा कहते हैं। इससे पहले 3 बार ये ATS पैराडिसो में क्लब हाउस के अंदर 3 बार ये कथा कह चुके हैं। श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हमने कोरोना काल में आकस्मिक मृत्यु से जो प्रभावित हुए हैं और जिनको अकाल मृत्यु उनको प्राप्त हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह हमने कथा रखवाई गई है कि जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।